एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हमें मतलब एंट्री ना करनी पड़े और एक ही शीट पे सारा डेटा भी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया था जैसे मंथ और ईयर को ऑटोमेटिक सिलेक्टेड लिस्ट से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जो होता है वो डेटा के अंदर होता है। हाँ, डेटा वैलिडेशन, इसमें एक ऑप्शन यूज़ किया था लिस्ट का। हालांकि इसको ऑप्शन को मैं पूरा अलग से बताऊंगा सेपरेट क्लास में। तो मंथ में मैंने 12 मंथ होते हैं उतनी एंट्री मैंने यहाँ पे डाल दी। कॉमा से सेपरेट करके हम वैल्यूज देते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। क्या होता है, ये एक लिस्ट में आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ईयर जितने चाहिए वो मैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट में उतने ईयर डाल देता हूँ। डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अब सिलेक्ट कर सकता हूँ दोनों डाटा वैलिडेशन से। यहाँ पे जो मैंने था एक टाइटल लिखा था कि इसके साथ वो भी बदलना चाहिए। इसमें सीक्रेट क्या है कि मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, सबसे पहले डेट का, डेट का फंक्शन होता है जो कि एक डेट को बनाने में मदद करता है, जिसको ये आर्गुमेंट पैरामीटर लेता है ईयर का, मंथ का, डे का। तो ईयर ईयर मंथ तो मेरे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ से चूज करवा देता हूँ। ठीक है, डेट मैं खुद दे देता हूँ, मैं एक तारीख दे दूँ, कोई भी दे दूँ। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मंथ और ईयर मेरे को यहाँ से चूज करने को मिल जा रहा है। ठीक है जी, इसके बाद टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के इसको जिस चाहे उस फॉर्मेट में ले सकता हूँ। जैसे हम कस्टम फॉर्मेट में जाके MM कर YY करके नहीं करवा लेते थे, जैसे अक्टूबर 13 डलवाना, तो उसी तरह से टेक्स्ट का फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब टेक्स्ट के फॉर्मूले में अगर मैं ये डेट पास कर दूँ, इसके बाद जो कस्टम में जो हम कोड डालते हैं वो अगर हम ये टेक्स्ट के फॉर्मूला में डाल सकते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर होता है वैल्यू और दूसरा जैसे 4 बार M डाला और ये YY। ठीक है, इसका मतलब है कि फुल मंथ नेम और 2 डिजिट में ईयर आएगा। ठीक है जी, कस्टम नंबर में क्या होता है कि जब ये नंबर फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं तो उसमें वैल्यू को चेंज नहीं करता, खाली दिखाने के लिए करता है, विजिबिलिटी के लिए। इसमें क्या है कि जब आप वैल्यू को मैं पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ तो ये वैल्यू को ही चेंज कर देता है, टेक्स्ट का फॉर्मूला उसको टेक्स्ट में चेंज कर देता है, रिटर्न वैल्यू को उस फॉर्मेट से। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को जो मैंने ये लगाया है ये डेट के फॉर्मूले के साथ ही जोड़ देता हूँ। ठीक है जी, हाँ अमित जी, गुड इवनिंग, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं सर। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला मैं इसमें लगा देता हूँ जिसमें वैल्यू में ये पूरा डेट का फॉर्मूला आ जाएगा और जो फॉर्मेट मुझे चाहिए था वो गया। अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ से कोई भी मंथ चूज करूंगा या ईयर चूज करूंगा तो इस हिसाब से मुझे दिखा रहा है। इसके आगे थोड़ा सा टेक्स्ट और यूज करना है मुझे, तो इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट दे सकता हूँ, एंड से कंकैटिनेट कर दूंगा। तो इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी टेक्स्ट दे सकता हूँ मैं, अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ। ठीक है, इतना टेक्स्ट दे देता हूँ। अब क्या हो गया, ये ऊपर की लाइन ऑटोमेट हो गई। यहाँ से बस मैं कुछ भी सिलेक्शन दूंगा, ये उस हिसाब से मुझे दिखाएगा। अब इसी के साथ में यहाँ पे मुझे कैलेंडर सा बनाना है, तो ये डेट्स भी डालनी पड़ेगी, इनको तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। डेट्स को दिखा सकते हैं,
मैक्सिमम डेट 31 तक है, तो मैं 31 तक यहाँ इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। कॉलम फिक्स कर दिए इनके, क्या करूँगा मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ से करूंगा तो यहाँ डेट्स भी सारी बदल जानी चाहिए, तो मेथड वही यूज करूंगा डेट का जो मैंने ऊपर यूज किया था। ईयर को यहाँ से चूज करूंगा, मंथ को यहाँ से चूज करूंगा और डे एक मैं अपने यहाँ दे दूंगा। ठीक है, जितना भी इसमें करंट की डेट आ रही है डेट दे सकते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दूंगा क्योंकि यहाँ फुल डेट तो चाहिए नहीं मुझे, मुझे खाली चाहिए डे, सिर्फ डे। तो डीडी डाल दिया मैंने डबल डिजिट के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब ये है तो पीछे से तो डेट ही है। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है आगे की डेट लाने के लिए, मुझे इस डेट में एक प्लस करना है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला में लास्ट तक ड्रैग कर दूंगा। ये 31 तक ड्रैग कर दिया मैंने। ऊपर टेक्स्ट का वही फंक्शन लगा देता हूँ, नीचे वाली डेट से क्या करेगा, फॉर्मेट क्या दिखाएगा मुझे, सैटरडे संडे के लिए दीदी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट दिखाएगा कि जो दिन उस दिन होगा, क्योंकि तो एक्चुअली तो ये डेट ही है, तो दिन भी बताएगा मुझे उस दिन का। तो एक कैलेंडर टाइप का यहाँ बन गया है। जैसे अगर मैं चेंज करूंगा तो देखिए, अक्टूबर में पहला दिन मंडे से शुरुआत हो रही है, तो नवंबर में थर्सडे से हो रही है। ऊपर का ये बदल जाएगा इन डेट के ऊपर। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे नवंबर में 30 दिन का होता है, तो ये जो आगे 30 के बाद एक जा रहा है, ये अभी दिसंबर में दिखा रहा है आपको, दिसंबर की डेट दिखा रहा है। तो मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि जितने हो वो डेट ना दिखाए जो इस मंथ की ना हो। ठीक है, जितने छोटा सा फॉर्मूला लगाना है मुझे, क्योंकि मिनिमम डेट 28 हो सकती है, तो पूरे पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 28 के बाद 29 और ये एक है, यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एक मेरे पास है फॉर्मूला ईओ मंथ का। ईओ मंथ क्या है, किसी भी महीने की एंड की डेट रिटर्न कर देता है किसी एक डेट के ऊपर। जैसे ये डेट है, ये अपने आप आइडेंटिफाई करके मंथ में मैं 0 दूंगा यहाँ, तो इस महीने की मुझे लास्ट डेट दे देगा अपने आप। अगर यहाँ एक देता हूं तो इससे नेक्स्ट महीने की दे देगा, जैसे नवंबर है तो ये दिसंबर की दे देगा, यहाँ पे 0 ही कर दो। अब मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, 29 में इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर ये ग्रेटर देन है तो मंथ वाली डेट से फिक्स कर दूंगा इसको मैं डॉलर्स में, ताकि जब ड्रैग करूं तो ये रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो जाता है ईओ मंथ से तो क्या करना है, उस जगह ब्लैंक दिखा देना है। अदरवाइज क्या करना है, जो फॉर्मूला कैरीड है वो चलता रहे। तो ये फॉर्मूला चलता रहे, क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला काम कर गया, ऊपर वाला कुछ रिजल्ट दिखाएगा जब नीचे कुछ। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी जब 30-31 मंथ हैं, तब तक तो ठीक है, जैसे आप फरवरी में देखते हैं वहां पे क्या है, ये एरर शो करनी शुरू कर दिया।
जैसे फरवरी वाला 2012 का इसमें यहाँ एरर आ रही है, क्योंकि जो फॉर्मूला चल रहा है वो चल रहा है कि हमें अपने आगे वाली सेल में एक प्लस करना है, पर जब ब्लैंक है तो उसमें प्लस करने पे ये एरर ही दिखाए। इसको टैकल करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ एरर का फॉर्मूला के बारे में बताया था मैंने कि जैसे कोई भी एरर आती है, ये फॉर्मूला मैंने वैल्यूज की जगह दे दिया, और अगर इसमें कोई एरर आई कॉमा लगा के मुझे वो देना है कि क्या देना है उसको, तो ब्लैंक दे दिया मैंने कि कोई एरर आती है तो ब्लैंक ही करना। मैंने फॉर्मूला पीछे तक ड्रैग कर दी, तो अब देखेंगे अगर मैं चेंज करूंगा तो कहीं कोई एरर नहीं आएगी। तो अब ये टेक्सुअल कैलेंडर बन गया। देखते हैं कि इसमें मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो देखिए अभी भी एक चीज है, ये जो है खाली जो लाइनें हैं वो दिखा रहा है, और मैंने वहां पे कंट्रोल कर रखा था कि लाइनें भी नहीं दिखा रहा था। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही यूज होगी। अब जो भी फॉर्मेटिंग करानी है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरी तरह से यूज होगी, ठीक है। और ये फॉर्मेटिंग का ये हिस्सा है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि सैटरडे संडे मुझे हाईलाइट कराना है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, जो ऊपर वाली डेट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला अपना, ठीक है। अगर ऊपर वाली डेट है इक्वल टू सैटरडे है या फिर संडे है तो और यूज कर लेंगे। हाँ और का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मुझे फिक्स करना पड़ेगा, इसमें फिक्स क्या करना पड़ेगा कि कॉलम तो बदल सके पर रो ना बदल सके, जो रेफरेंस ले रहा है वो वही है। तो कॉलम बदल सके खाली मैंने रो के आगे इसमें डॉलर। अब ये फॉर्मूला मैंने पहली सेल के हिसाब से बनाया तो उसी पे ही लगाऊंगा। मैं इस पे कॉपी कर लिया पूरा फॉर्मूला और क्लिक किया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहली सेल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में जाके यूज फॉर्मूला में डाल देता हूँ, देन फॉर्मेट में जाके जब फिल लेवल में येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब इस फॉर्मेट पेंटर से मैंने क्या करना है पूरे में फैला देता हूँ। यहाँ अभी जैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज किया तो फॉर्मेटिंग बदल गई थोड़ी सी, तो इसको मैं वापस क्लिक कर लूंगा। तो अब जब मैं चेंज करूंगा यहाँ से तो ये सैटरडे संडे के साथ मेरे हाईलाइट भी बदलते रहेंगे, कैलेंडर का एक थोड़ा सा काम करने लग गया मेरा। एक था कि बॉर्डर खत्म करने, तो बॉर्डर की खत्म करने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, 29 से कर सकते हैं, 28 तक तो होता ही है। हाँ तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या डिजाइन करना है कि ऊपर वाली सेल अगर ब्लैंक है, तो जैसे यहाँ ब्लैंक है तो ऊपर वाली सेल अगर ब्लैंक है तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगेगा कि ऊपर वाली सेल इक्वल टू
चार को और ब्लॉक करना पड़ेगा। फॉर्मूला कॉपी करूंगा और वापस आ जाऊंगा इधर। यहाँ जाके फॉर्मेट में क्या कहूंगा, बॉर्डर में आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी धुंधली सी लाइनें दिखा रहा है। इसमें धुंधली का मतलब है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसको मैं क्लियरली साफ कर देता हूँ। ठीक है जी, इसका मतलब है कि कोई लाइन नहीं रहेगी। अभी फॉर्मेट करके फॉर्मेटिंग पूरे से अप्लाई कर देता हूँ। तो जहां नहीं तो वहां से गायब हो गई। जैसे अगर मैं फरवरी में जाता हूँ तो वहां से गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि कंडीशन वहां जब फॉल्स होगी तभी क्लियर होंगी, अदरवाइज वो पहले जैसे रही जो भी फॉर्मेटिंग पहले थी। ठीक है जी, ये अपना ये चलने लग गया, एक कैलेंडर की असली फॉर्म आ गई। अब क्या करते हैं, अब मुझे कुछ सरकारी छुट्टियां दिखानी है इसके अंदर। तो सरकारी छुट्टियां अगर 2014 में कुछ है तो वो हाईलाइट है। सरकारी छुट्टी कैसे हाईलाइट करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी कुछ लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट नहीं है, ये फेक लिस्ट है मैंने अपने हिसाब से बनाई। तो ये अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है। इसमें मैंने क्या किया है, इसको यहां से सिलेक्ट किया है इसे और इसका नाम जाके दे दिया एचएल। नेम बदल लेते हैं हम इसका। नेम क्यों बदलते हैं हम, अगर मैं चाहूं तो इसको वैसे भी यूज कर सकता था कि जैसे इसको, पर इसमें ड्रैग करेंगे तो रेफरेंस चेंज होने का खतरा होता है सब चीजों का। और दूसरा, अगर आपको ये रेंज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज करनी है तो आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, क्योंकि तो ये हॉलीडे शीट की हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आप फॉर्मूला। अगर आपको यूज करना है तो आप इसको अगर रेंज में बदल लेते हैं, इस तरह से नेम चेंज करते हैं, तभी यूज कर पाएंगे। तो एच एल इसका नाम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इन डेटों को काउंट कराऊंगा कि क्या उसमें से है क्या। जैसे कि अगर मैं काउंट इफ का फंक्शन लगाऊं, तो एक रेंज चाहिए जिसमें हॉलीडे लिस्ट। ठीक है जी, उसके बाद क्राइटेरिया मांगता है कि कोई उस रेंज में क्या ढूंढना है। मैं कहता हूँ कि ये वाली को ढूंढो। ठीक है, इसमें भी फिक्सिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगा रहा हूँ, ड्रैग ड्रॉप के रूल अप्लाई होंगे तो रो फिक्स कर लेगा। तो हर बार ये क्या करेगा, हर कॉलम में ना डेट में से चेक करेगा। अकाउंट इफ क्या करता है कि अगर इसे मिल गया उसमें कि एक भी एंट्री है तो एक दिखाएगा, अदरवाइज जीरो दिखाएगा। तो मुझे सिर्फ यही चेक कराना है क्योंकि वैल्यू मुझे ट्रू या फॉल्स में चाहिए, काउंटिंग में नहीं चाहिए। मुझे खाली यही चेक कराना है कि क्या ये ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आ गया मेरा। अब यही फॉर्मूला मैंने उधर लगाना है। रूल में गया, फॉर्मूला यहाँ डाल दिया, फॉर्मेट से फिर से मैंने क्या किया, ऑरेंज से फॉर्मेट पेंट तक को कर देता हूँ। ये दिक्कत है, इसको फिर से मैं ठीक है जी, अब ये मैंने बदल दिया। अब इसमें एक चीज और हो सकती है। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि ये सैटरडे में कोई छुट्टी पड़ रही है, ठीक है जी, तो इसमें स्विच की सिचुएशन आ गई है कि क्या मुझे येलो दिखाना चाहिए था कि क्या मुझे ऑरेंज दिखाना चाहिए। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये ट्रिक होती है, तो इनकी प्रायोरिटी होती है। आप देखें कि ऑरेंज वाला सबसे ज्यादा
पहली प्रायोरिटी ले रहा है, तो सबसे पहले वो चलेगा। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि नहीं, किसी भी कंडीशन में येलो वाला होना चाहिए, तो इसको मैं यहां से ऊपर कर सकता हूं। अब इस पर अप्लाई कर दूंगा, तो अगर येलो वाला ट्रू होता है जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, अगर उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग हो रही है तो नेक्स्ट वाला अप्लाई नहीं होता है उस सेल पे। मैंने अप्लाई कर दिया, तो अब मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सैटरडे संडे में येलो ही दिखाएगा और रेस्ट ऑफ द हॉलीडेज में आपको ऑरेंज दिखाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कर दिया मैंने। और सिंपल सिंपल सी हमें कुछ एक और करनी है, जैसे इसके अंदर लीव की एंट्री होगी एल से। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा कि यहां भी, हाँ एक और बी सी का एंट्री होगी, साथ में ये भी कि आज जो टुडे की डेट है, आज की डेट है, उसको कुछ और करके दिखाऊं, तो किसी अलग फॉर्मेटिंग में दिखाए, तो मैं इसको भी ये कर दूंगा कि अगर ये इक्वल टू टुडे हो जाती है, टुडे का फॉर्मूला हमें आज की डेट रिटर्न करता है, तो क्या फॉर्मेट करनी है वो भी दे सकते हैं। फॉर्मेट में मैं क्या कर कर लेता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, लाइट ब्लू कर देता हूँ, और क्या कर देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके ओके, क्या कर देता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर से कभी कर। तो आज की तारीख है 22 नवंबर, नवंबर में चलते हैं, तो आज का देखेंगे ये हाईलाइटेड आ रहा है, चाहे तो टुडे को ऐसा छोड़ सकते हैं, टुडे की प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो टुडे का हम जल्दी कर देते हैं। तो के लिए क्या करना है, इक्वल टू, बस मुझे ये करना है, इसका जो सेल है वो इक्वल टू है, ये फॉर्मूला फिर मैं फिट कर दूंगा, पर ये कहाँ पे चेक करना है, ये वाली नीचे वाली एंट्री, क्योंकि यहाँ पे पी एल एच एल इस तरह से आएगा, यहाँ सीधे सीधे अप्लाई कर दूंगा, पर इसमें लॉकिंग नहीं लगी, लॉकिंग नहीं लगी, और इस सेल पे अप्लाई होगा, हर एक सेल पे इंडिविजुअल अपना चेक करेगा। तो मैं कोई लगा रहा हूँ यहाँ पे, यूज फॉर्मूला फॉर्मेट में सेट कर देता हूँ कि रेड दिखाए और गोल्ड दिखाए, इसको फॉर्मेट प्रिंटर से इस एंट्री एरिया पे पूरे पे डाल दें, तो जहां पे भी एल होगा लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट है इसके अंदर। अब फॉर्मूला फिक्स करते हैं, अब यही फॉर्मूले जितने भी मैंने डाले हैं यही मैंने रियल में लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और इसमें एक और कैपिंग देनी कि जो भी उनकी ज्वाइनिंग डेट है, अटेंडेंस उसके बाद शुरू हो, जैसे 7 जनवरी है तो 7 के बाद शुरू हो, और टुडे से आगे ना बढ़े, मतलब तो आज की डेट तक की अटेंडेंस के आगे ना जाए, तो स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे। पहला फॉर्मूला लगाऊंगा के थ्रू, अब मुझे ये करना है कि ये जो है अगर ग्रेटर देन ये होता है, इसमें मुझे लॉकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैग करूंगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रख सकती है, तो मैं चाहता हूँ नीचे जाए, मुझे क्या लॉक करना है, कॉलम। इसी तरह से ऊपर वाली डेट में मैं कॉलम को फ्री छोड़ दूंगा, उसके बाद जब ऐसा हो
तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज प्रेजेंट दिखाए। एक बार देख लेते हैं, अब जैसे जनवरी पे चलते हैं, सात 25 जनवरी, देखिए मेरी कि जिन जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तभी से इनके अटेंडेंस शुरुआत होगी। सेकेंड कैपिंग लगानी है मैंने टुडे पे, हो गया है। तो मैं क्या करूंगा की जगह कंडीशन दे दूंगा, ब्रैकेट ब्रैकेट पहले ही लगा के चलूंगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो मुझे खुद नहीं समझ आएगा ब्रैकेट का। अब इसमें मैं करूंगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है टुडे से तो क्या करें, ब्लैंक करें। ब्लैंक कर दे, अगर अदरवाइज पी, इसको पिक करना पड़ेगा वो जिसमें मुझे ब्लैंक करनी पड़ेगी। ब्लैंक करता हूँ, ठीक ठाक आ गया। टुडे पे ब्लॉक हो गई यहां से, और आगे से वहां डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पे ब्लॉक हो गई, और यहाँ टुडे के अंदर। अब छोटे छोटे काम करने हैं, जैसे सैटरडे संडे और वो वाले, जैसे ये फॉर्मूले जो मैंने लगाए थे, अब सैटरडे संडे वाला भी सेम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अगर इसमें ट्रू आता है तो इसके लिए इसी की जगह पे ही हम एक के फॉर्मूले लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया सैटरडे संडे वाला, अगर इनमें से कोई भी ट्रू आता है तो क्या दिखा है, वीकली ऑफ दिखा दे, अदरवाइज खाली प्रेजेंट प्रेजेंट। हाँ, इसके फॉर्मूले में कौन सा लॉजिक पहले लग रहा है वो डिसाइड करेगा कि उसे नेक्स्ट लॉजिक तक जाना है कि नहीं। मान लीजिए अगर इसकी जगह में हॉलीडे वाला लगा देता तो हॉलीडे की प्रायोरिटी पहले हो जाती, तो अगर सैटरडे संडे में हॉलीडे होता तो एच भी, पहले ये हुआ है मैंने सैटरडे संडे की प्राइमरी रखना। इसके बाद हॉलीडे वाला कर लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। पर हॉलीडे के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये काउंट एप वाला फॉर्मूला, ऐसे ही करके सीधा चल रहा है। हर कोई फॉर्मूला इफ के फॉर्मूले में चलता चला जाएगा। यहाँ पी की वैल्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ ग्रेड अगर कोई आती है तो एच दिखाएगा, अदरवाइज अपना। अब इसके अलावा क्या कंडीशन आती है, हाँ लीव फाइंड आउट कराने का, क्योंकि इसके बाद सैटरडे संडे और इन हॉलीडेज के बाद सिर्फ बचती है अटेंडेंस में लीव, पर्टिकुलर बंदे की कितनी कितनी लीव है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक शीट में मैंने क्या किया, वो लिस्ट में डेटा वैलिडेशन में कुछ एम्प्लॉय आईडी, जैसे मैंने बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें रेंज चाहिए होती है, तो मैंने इक्वल टू ई आई डी लिखा है। ई आई डी क्या है, जो सिलेक्ट करेंगे इसका नाम मैंने ई आई डी, ठीक है जी। तो इसका मैंने खाली लिस्ट में दे दिया यहाँ जाके डेटा वैलिडेशन में ई आई डी, फिर इसको क्या किया, कॉपी किया
और यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन था वैलिडेशन का, वैलिडेशन पेस्ट करके तो ये वैलिडेशन ये लिस्ट सब जगह आ गई। जैसे ही वहां से हो रहा है कोई भी आईडी आ रही है तो वी लुकअप से मैं क्या कर रहा हूँ उनका नाम उठा लेगा, ठीक है जी। और वी लुकअप को मैंने इफ एरर के अंदर लगाया हुआ है ताकि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो ब्लैंक दिखाए, तो इस कारण अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती तो ये ब्लैंक दिखाए। या यहाँ पे सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने कंकैटिनेट किया हुआ है इसको, आईडी को और डेट को, आईडी डेट को कंकैटिनेट किया हुआ है। अगर डी टू नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर यहाँ ब्लैंक नहीं है तो दोनों को कंकैटिनेट करके इधर दिखा दे। तो आईडी डेट में कुछ नंबर्स होते हैं जैसा कि हम कर रहे थे, कुछ नंबर होते हैं तो आईडी के साथ मिक्स करके मैंने क्या किया है कि एक यूनिक आईडी क्रिएट करवाई है, किसकी पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस डेट को छुट्टी देगा। अब यही आईडी मैं वहां पे क्रिएट करवा रहा हूँ। कैसे वीलुकअप का आप दोनों फॉर्मूला जानते हैं कैसे लगाते हैं? जी वीलुकअप में ही हम ना कंकैटिनेट करवा देते हैं। कैसे? एक जगह तो हमने करा ही दिया है, यहाँ पे इसको हम आईडी की तरह यूज करेंगे, इस बार ये हेल्पर कॉलम को आईडी की तरह यूज करेंगे, हमारा डेटा टेबल होगी वो एरे ही होगा। अब हमें इनपुट भी वैसे ही डलवाना है तो इनपुट कैसे डलेगा? आईडी से सिलेक्शन करें, इनपुट इसको हम ऐसे ना करके क्या कर सकते हैं कि हमारा पूरे को तो हमें वीलुकअप लगाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से कोई डिटेल नहीं ले जानी, हमें बस ये पता करना है कि अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, यहां से आईडी और ये डेट का, तो एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, तो ये आईडी और डेट ये उसका लीड भी हो, जैसे कि 16 जुलाई, तो ये आईडी जाके 16 जुलाई को बन जाएगी, है ना। जैसे इसमें 16 का कॉलम आएगा और जुलाई का आएगा, सेम यही आईडी बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, जैसे ये उठा लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से मैंने 16 तारीख डाल, तो ये आईडी जुलाई कर देता हूँ, तो ये 0041 41836, तो यही आईडी जो बनी होगी वो हमारी यहाँ बनी होगी 0041 41836, तो दोनों कंकैटिनेट कर दी। अब मुझे ये करना है कि ये आईडी जब उस रेंज में हो तो दिखा दे, हाँ तो करना है तो काउंट इसका मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको मैं बदल देता हूँ, तो मैं बदल देता हूं किसी रेंज में, तो एल आर के नाम से मैंने ऑलरेडी पूरी रेंज बना दी, अब वो सर्च करेगा कि ये कॉम्बिनेशन कहीं है क्या। एल आर के नाम से मैंने पूरा इसका नाम चेंज कर दिया, अब पूरा ऐसे कॉलम सिलेक्ट करके किया है ताकि इसमें ऐड होता रहे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने काउंट टिप के अंदर जैसे अब क्राइटेरिया मेरा ये हो जाएगा, पहली वाली सेल से ही बनाते इक्वल टू काउंट इफ रेंज एल आर, और क्राइटेरिया हो जाएगा मेरा, जैसे मैं यहां पे फॉर्मूला डालने वाला हूं ये हो जाएगा, और कंकैटिनेट कराऊंगा इससे। अब थोड़ा सा मुझे इसमें लॉकिंग लगानी पड़ेगी, तो इसमें मुझे क्या फिक्स करना है, कॉलम तो ए से पहले डॉलर लगा दूंगा और ऊपर वाले में रो फिक्स करनी है तो 5 से पहले डॉलर लगा दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या करना है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लॉजिकल बन गया ये। अब
यही मैं पास ऑन करूंगा यही फॉर्मूला, यहां वाले लास्ट वाले पी में एक के अंदर। अब इसके अंदर मैंने एक पूरा फॉर्मूला डाल दिया, और ट्रू होने के केस में क्या करना है, एल करना है, और फॉल्स होने के केस में टी करना है। जब मैं ये ड्रैग करूंगा तो अपने आप जहां जहां लीव होगी वो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अभी इंटरफेस में मुझे ये यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं, तो हाइड करके रख सकता हूँ। यूजर को इतना सिलेक्ट करना है, यहाँ से कोई आईडी नहीं, ठीक है जी। और उसकी छुट्टी की डेट डालनी है, जैसे छुट्टी की डेट मैं देखता हूँ 4 जुलाई को दे देता हूँ, 4 जुलाई का भी देखते हैं, 4 जुलाई, ठीक है। ये डाल दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे अच्छा विकास के तो यहाँ पे लीव आ जाएगी, ठीक है जी। तो पूरा अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार है। ये हो गया अपना अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसकी मैं फाइल आपको मेल कर दूँ, और इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। आज टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर एक होता है, सबसे पहला फॉर्मूला है बार टेक्स्ट का, इसका कोई यूज नहीं है। क्या करता है, किसी नंबर को करेंसी में वो नंबर टू वर्ड कन्वर्जन करता है, पर थाई लैंग्वेज में, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट में डाल के देख सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है, क्या क्या और कोड, ये दो फॉर्मूले होते हैं। आस्काई कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता है, आस्काई कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आस्काई कैरेक्टर्स एक कोडिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज किया जाता है। तो हर एक डिजिट का कोई ना कोई स्पेशल कोड होता है, तो आप चाहे तो गूगल पे उसके टेबल देख सकते हैं। जैसे कैपिटल ए के लिए क्या होता है, कोड 65 होता है, जैसे यहाँ देखेंगे कैपिटल ए के लिए 97 है स्मॉल ए के लिए। तो हर एक जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो ब्रैकेट और नंबर, वो कोई कोड कंटेन करता है, इसी वगैरह, ठीक है। तो ये कैर और कोड अपने यही काम करते हैं, इसी कोड से कैर में बदल देते हैं। जैसे 65 कोड है, कैर से कोड में बदल देते हैं, और कोई कैरेक्टर है कोड के फॉर्मूले से उसका कोड पता लगाया जा सकता है। इसका यूज बेसिकली कहाँ होता है, कि वैसे मेरे को किसी ने कहा था कि आप मतलब जैसे वो ड्रैग कराते हैं 1 2 3, तो वैसे भी ड्रैग करा सकते हैं, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, तो निकलने एबीसीडी को ड्रैग करने वाला नहीं होता है, एक आई दिखाएगा आपको। यानी कि मैंने यही फॉर्मूला मिला जुला के डाल दिया था। मैंने क्या किया था कि कैर का फॉर्मूला लिया, और जिसमें ऊपर वाले टेक्स्ट का कोड निकाल के उसमें +1 करा दिया, और वो कैर में सप्लाई हो गया। ये फॉर्मूला जब मैंने ट्रैक किया तो एबीसी ड्रैग हो गया, ठीक है। कहीं इसी तरह जब स्मॉल वगैरह में करना होता है तो
जैसे कैपिटल को स्मॉल में करना है, तो इसमें मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया और +32 कर दिया इसके लिए, यहाँ पे स्मॉल वाले के लिए दिखा देगा। ये तो फिर भी एक जनरल चीज है जिसका कोई खास यूज नहीं होता है, यूज इसका थोड़ा सा एक जगह है, जैसे हम लोग ऑल्ट एंटर का यूज करते हैं। ऑल्ट एंटर का यूज क्यों करते हैं, सेम लाइन सेम सेल में ही दूसरी लाइन में जाने के लिए। तो ये ऑल्ट एंटर एक्चुअल में होता है क्या, कि जब मैंने ऑल्ट एंटर किया अब मुझे इसको यूज करना है फॉर्मूले के थ्रू कहीं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया कोड का, मैंने जान लिया कि इसका जो कोड है वो 10 है, ठीक है, 10 कोड है। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है जहां पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, मान लीजिए चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ मैं फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। एक फंक्शन होता है हमारे पास रिपीट, REPT। तो इसमें कोई भी टेक्स्ट जो आप देते हैं, जैसे मैं स्टार दे रहा हूँ, और दूसरा फंक्शन होता है कितने बार उसको रिपीट कराना चाहते हैं, तो मैंने आगे से चूज कर दिया, तो ये स्टार उतनी बार मेरे सामने आ रहा है, एक बार चार्ट की इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। बट अभी पूरे तरह से बार चार्ट तो दिखा नहीं सकते, इसमें एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, इसकी जगह पाइप ले लेते हैं, बैक स्लैश के ऊपर होता है आपका पाइप, बैक स्लैश में शिफ्ट दबा के आप ये वाला यूज करते हैं, तो ये उतनी बार रिपीट कराएगा। बोल्ट होता है ब्रिटेनिक बोल्ट, जिसके अंदर ये पूरी तरह से मिल जाता है ब्रिटेनिक बोल्ट। अब फॉन्ट कलर मैं कोई भी अलग से इसको करा के उसकी शक्ल दे सकता हूँ, तो चार्ट की तरह दिखा सकता हूँ, एक बार चार्ट की तरह हमने तो दिख रहा है। और जैसे नंबर ज्यादा बड़े हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मुझे 2 गुना छोटा करना है तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ये चार्ट मेरा 2 गुना छोटा हो जाएगा, तो ज्यादा छोटा करना है 5 गुना छोटा करना है तो 5 गुना छोटा हो जाएगा। ये इस तरह से एक वर्चुअल चार्ट है मेरे पास, अगर नंबर चेंज होता है तो ये चार्ट भी चेंज होता है। मान लीजिए इसी तरह मुझे डबल डिजिट का चार्ट बनाना है, दो चार्ट बनाने हैं, जैसे कॉलम चार्ट होते हैं ना, कंपैरिजन में बनते हैं, और तो अब ऑल्ट एंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एक्टिव जब होता है जब आप रैप टेक्स्ट ऑन करें तब एक्टिव होता है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ये रिपीट का फंक्शन लगाया, यही लगाऊंगा कंकैटिनेट को, कंकैटिनेट कर दूंगा अगले रिपीट के फंक्शन से, और आई जगह में ये वाला रेफरेंस ले लिया, ये वाला रेफरेंस ले लिया। अभी मैंने यहाँ पे किया है, पर भी मुझे ऐसा कुछ चीज चाहिए कि चार्ट को डिफरेंशिएट कर दे, आपस में अलग अलग तोड़ दे, तो उस केस में मेरा जो है कोड 10 जो है वो मदद कर सकता है। मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ कैप, और इसमें कोड सप्लाई कर देता हूँ 10, ठीक है, कंकैटिनेशन का उसको मैंने ड्रैग कर दिया, तो ये आपस में, और जैसे ही रैप टेक्स्ट ऑन करूंगा तो आप देख पाएंगे कि इसमें मुझे बार चार्ट टाइप का एक व्यू मिल रहा है। इसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हैं, कंट्रोल 1 करके अलाइनमेंट, इसका एंगल 90 पे कर देते हैं,
तो चार्ट को खोलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो मतलब स्पेस थोड़ा बड़ा सा इसका मैं स्पेस उतना क्रिएट कर सकता कर देता हूँ कि जितने में ये दिखा पाए मुझे दिख रहा है। तो हर एक का मुझे यहाँ पर कॉलम चार्ट दिखा रहा है, तो ऐसे ही पोर्ट 10 यूज कर करके यूज कर करके मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ। और इन चार्ट्स की खासियत क्या है, इनको कोई आईडी दे देते हैं कि इस चार्ट को मैं वी लुकअप से कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ, थोड़ा सा ऑटोमेट कर देता हूँ, यहाँ से ले मैंने इसको चूज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे आईडी मिल गई। अब इसी आईडी से मैं क्या कर देता हूँ, वी लुकअप लगा देता हूँ डेटा सिलेक्ट करके। ठीक है, इसमें से चौथा कॉलम कॉल कर देता हूँ। यहाँ क्या फॉर्मेट कर, फॉर्मेट सेंटर से फॉर्मेट कर देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से चला सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ये डैशबोर्ड के कॉन्सेप्ट में बहुत यूज होता है, फॉर्मूले से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें देखा रिपीट का और ये कोड का फंक्शन, हमारा कोई भी फॉर्मूला बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं वो काम हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं कंकैटिनेट का फॉर्मूला, सेम वैसा ही होता है जैसे हमारा कंकैटिनेट का ऑपरेटर होता है। ठीक है, बस इसमें आर्गुमेंट आप यहाँ से खरीद लीजिए, कॉमा कॉमा करके और इनको रिफरेंसेस दे दीजिए, कंकैटिनेट कर देगा। बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप टेक्स्ट दे सकते हैं, तो बीच में स्पेस दे दिए कॉमा करके, टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट। कंकैटिनेशन के लिए टेक्स्ट का फंक्शन कॉल आता है। उसके बाद हमारे पास है दो फंक्शन और हैं, फिक्स और डॉलर। बाकी ये कोई खास यूज के नहीं है, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग से करते हैं तो यही हमें कुछ फिक्स्ड जो है नंबर फॉर्मेटिंग ही रिटर्न करता है। जैसे आपको डेसिमल हटाने हैं तो 0 डेसिमल कर सकते हैं, कॉमा लगाने हैं हटाने हैं तो कॉमा ट्रू करेंगे तो कॉमा नहीं देगा, फॉल्स करेंगे तो कॉमा दे देगा। जैसे 1000 सेपरेटर होता है तो जैसे यहाँ पे 1000 की वैल्यू है, 1000 के ऊपर की कॉमा देगी। डेसिमल पोजीशन कहता हूँ तो 2 डिजिट कर देगा, 2 डिजिट कर देगा, बस ये फॉर्मूला ही है। डॉलर का फॉर्मूला भी नंबर और कितने डेसिमल तक चाहिए साथ में आपको डॉलर लगा के दे देता है। तो ये इसके बजाय आप टेक्स्ट के फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास अपर केस में चेंज करना है तो अपर का फॉर्मूला है, अपर केस में चेंज करें। लोअर केस में चेंज करना है तो लोअर का फॉर्मूला है। एक हमारे पास होता है प्रॉपर केस, 3 केस इसमें टाइटल केस का काम करता है, मतलब हर एक वर्ड की पहली डिजिट कैपिटल कर देगा। उसके बाद रिप्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, दो फॉर्मूले हैं इसमें रिप्लेसमेंट के काम है। जैसे कोई इसके लिए मेरे नाम ही लगा रिप्लेस, पुराना टेक्स्ट क्या है ओल्ड टेक्स्ट ये दे दिए। स्टेट नंबर, स्टार्ट नंबर की कौन से नंबर से आपको रिप्लेस करना है, तो जैसे नंबर को ऐसा मांग रहा है जैसे संदीप 7 डिजिट का नाम, पहली डिजिट दूसरी डिजिट कौन सी डिजिट से बात करनी है,
मैंने जैसे ए का यू बदलना, ए को यू से बदलना, तो स्टार्ट करना है दूसरी डिजिट से, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, दूसरी से स्टार्ट तो किया पर आपको ए ही बदलना है, ए एन बदलना है, ए एन डी बदलना है, तीन कैरेक्टर चार कैरेक्टर कितने बदलने हैं और उसकी जगह क्या आना है। पहला सवाल तो इसमें कितने बदलने, थ्री कैरेक्टर बदलने, फिर इससे बदलना है क्या, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया, ठीक है, ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे है इसमें रिप्लेसमेंट का, सेम काम आपका सब्सटीट्यूट करता है बट ये थोड़े से पैरामीटर अलग लेता है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट कौन सा है, पुराना टेक्स्ट क्या था अपना, मैंने कहा ए था, फिर इसमें सीधा सा पूछ लेता है किससे बदलना है, तो मैंने कहा यू से बदलना है, तो डायरेक्ट आपका बदल देगा। इसमें एक और चीज है, मान लीजिए मुझे अब यहां मैं ई को ओ से बदलने की कोशिश कर, ठीक है, पुराना टेक्स्ट ये है, ई को फर्स्ट कैरेक्टर बदलेगा। बदलना है मुझे ओ से, पर कौन से वाले ई को बदलना, पहले वाले को बदलना है दूसरे वाले को बदलना है, तो इसमें इंस्टांस नंबर करता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही ओके कर देता हूं तो दोनों ई को बदल देगा, इंस्टेंस नंबर की मतलब कौन सा वाला, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला, इस तरह से इंस्टेंस ले, अगर मैं कहता हूं दूसरा वाला तो ये दूसरे वाले ही, तो पहले वाले को बोलता हूं तो पहले वाले, तो रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट इस तरह से काम करते। दो फंक्शन और है हमारे पास, फाइंड और सर्च के। फाइंड क्या करता है, अभी तो मुझे ए फाइंड करना है मान लीजिए कि वो कैरेक्टर फाइंड करेगा। है ना, तो फाइंड टेक्स्ट में मुझे ये देना पड़ेगा, इस टेक्स्ट में ये बताता है कि दूसरी डिजिट, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कैपिटल ए तो एरर देता है, तो मैं चाहता हूं कि केस सेंसिटिव ना रहे, तो इसी को अगर मैं सर्च से बदल दूं, पैरामीटर सेम रहेगा तो ये वैल्यू दिखा देगा, मतलब तो सर्च क्या है, केस सेंसिटिव नहीं होता, फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, ठीक है। दो फंक्शन ये है हमारे पास, अब इसमें एक वो करके देखते हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट जिसके अंदर बाकी फॉर्मूले आपको समझ आएंगे, लेकिन कोई इसमें और तो कोई नहीं सीखा, तो जैसे कि यहाँ पे नाम डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम, ये अलग करना है, फॉर्मूले लगाने, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे इसमें से मुझे लेफ्ट से वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला टेक्स्ट और कितनी चाहिए, तो सात है जैसे पहली डिजिट सात है तो सात वैल्यू मिलेगा, लास्ट से चाहिए मतलब तो राइट से चाहिए तो राइट का फॉर्मूला है, पीछे से यहाँ पे पांच है तो पांच ले ली मैंने, ये पीछे से राइट से लेगा पांच ले ली, और मिड का फॉर्मूला मिडल से लेता है, इसमें ये वही आपका रिप्लेस वाला कैलकुलेशन लेता है, स्टार्ट नंबर और कितने कैरेक्टर्स लेंगे, तो स्टार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए 60 डिजिट तक तो नाम है, आठवीं डिजिट तो है स्पेस है, नौवीं डिजिट से स्टार्ट है, नौवीं डिजिट से चालू कर दिया, कितने कैरेक्टर मिले, तो कुमार,
पांच कैरेक्टर का है, पांच ले लिया, ठीक है, ये अलग कर दिया। पर इसमें क्या है कि अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बार फॉर्मूला है तो दादी हर किसी के साथ ये बैठेगा नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ और फॉर्मूला की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर लेफ्ट और सर्च को कंबाइन कर सकते हैं, फाइंड ले लेते हैं, फाइंड तो इसके आइडेंटिफाई करने वाले फैक्टर क्या है, एक फर्स्ट ने फर्स्ट तो पहला स्पेस कहाँ आ रहा है, ठीक है जी, मेटल के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी सेकेंड स्पेस की, और एक और जरूरत पड़ेगी लेंथ, टोटल लेंथ की। अब अगर मैं इससे कैलकुलेशन करूं तो थोड़ा काम आसान पड़ेगा। फाइंड से मैं पता लगा सकता हूं कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दिया मैंने, जिसमें कहां पे पहला स्पेस फाइंड करने के लिए फंक्शन वही लगेगा, बट इसमें जो दूसरा पैरामीटर है स्टार्ट नम, स्टार्ट कहां से करेगा वो आप देख सकते हो। अगर मैं यहां से स्टार्ट नम ये पहले स्पेस वाला ले लेता हूं, क्या होगा कि आठवीं डिजिट पे ही उसे स्पेस मिल गया तो ये वही का वही फिर रिटर्न कर दे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वो आता है उसके अगली पे प्लस वन कर दिया, नौवीं से अगला ग्यारह पे, ठीक है जी। टोटल लेंथ, लेंथ के लिए फॉर्मूला है एल ई एन, अब इसको फॉर्मूले में यूज करते हैं तो वो लेफ्ट का फॉर्मूला, अब इसमें क्या है फर्स्ट स्पेस जहां आ रहा है ना टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ये स्पेस आठवें पे आ रहा है जबकि नाम डिजिट सात है, तो स्पेस जोड़ के नहीं तो माइनस वन करते, ये सही आ गया। राइट में क्या करना है हमें, टेक्स्ट वगैरह इसमें क्या करना है सेकेंड स्पेस, हाँ फुल लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, ठीक है माइनस सेकेंड स्पेस, ये सही आ गया। देन मिडल नेम में क्या चाहिए मुझे, मिडल फॉर्मूले में रहेगा स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट स्पेस प्लस वन और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस वन, स्पेस ज्यादा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये सही बैठा है कि नहीं बैठा, अच्छा यहाँ तो मैंने खींच लिया, तो यहाँ पे आ गया ये, संदीप जी ये सेकंड स्पेस कैसे निकाल लिया आपने, सेकंड स्पेस मैंने सर पहले वाले से स्पेस का आइडेंटिफाई किया, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि अभी जैसे फाइंड का फंक्शन है, ठीक है, इसी से स्पेस फाइंड कर रहा हूँ, इसमें फाइंड कर रहा हूँ, इसके अंदर फाइंड कर रहा हूँ, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है सर स्टार्ट नाम का कि कहां से स्टार्ट करें करना, मिड के अंदर होता है ना कि यहां से स्टार्ट कर, तो वो घंटा है इसके अंदर, मैंने कहा कि जहां पहला स्पेस मिला था वहां से स्टार्ट करो, उसे एक डिजिट आगे से, क्योंकि वहीं से अगर स्टार्ट करेगा तो पहला स्पेस ही उसे किसी पे मिल जाएगा, यहां से मिला। अब क्या करते हैं इस फॉर्मूले को कर देते हैं कंबाइंड, यहाँ पे फॉर्मूला मैं कर देता हूँ कंबाइंड, जैसे अब ये है मुझे इनकी तो जरूरत नहीं, हर जगह ये नहीं लगाऊंगा, फॉर्मूला कंबाइंड कर देते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी इस पे है, ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी इस पे है और इस पे है, इसकी डिपेंडेंसी इस पे खत्म करनी है, ये क्या करना पड़ेगा, फाइंड का फंक्शन इक्वल टू से पहले कॉपी किया और यहाँ जो मैंने इसका रेफरेंस ले रखा है यानी कि एच9 वहां पे जाके पेस्ट कर दिया,
तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्मूला हो गया, सारे सारे फॉर्मूले अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए यहाँ वाले। अब इनके अंदर मुझे इंडिपेंडेंट करना, मैंने क्या करना है कि जहां पे H9 यूज हुआ है उसको रिप्लेस करना है इस वाले फॉर्मूले। सिलेक्ट कर दिया, जहां भी H9 यूज हुआ है उसको रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले से। रिप्लेस ऑल कर दिया, 3 हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, जहां पे ये I9 जहां ये हुआ है, मतलब कि ये फॉर्मूला फिर वहां आएगा। कहीं अगर I9 यूज हुआ है इसके अंदर फॉर्मूला आएगा ये वाला, रिप्लेस ऑल, दो फॉर्मूले इसने भी रिप्लेस कर। तो इसके बाद J9 लेंथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप कितनी आई थी J9, वहाँ ये लेंथ वाला फॉर्मूला रिप्लेस। तो आप देखिए यहाँ ये फुल फॉर्मूले अपने दम पे बन चुके हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कर दूं तो कोई फर्क नहीं, ठीक है जी। पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हमेशा 3 डिजिट के नाम तो होंगे, 2 डिजिट के तो फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करते हैं। इसमें क्या आ रहा है कि पहला तो ठीक ठाक आ रहा है, दूसरे में क्योंकि मिडल नाम तो आ रहा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर कि अगर यहाँ कोई एरर आती है, इफ एरर, तो क्या करें, यहाँ पे ब्लेंड कर दें, ठीक है। अब ये फॉर्मूला चला दिया मैंने नीचे, अब इसकी एरर दूर करनी है मैंने कि अगर यहाँ कोई इस कंडीशन में एरर आती है, पहली बार एरर आती है तो डेफिनेटली वही वाली होगी, दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसको। तो वो फॉर्मूला कहाँ दूंगा, इफ एरर को, कि एरर आने की सूरत में क्या करना है, एरर आने की सूरत में इसने करना है राइट का फॉर्मूला। राइट का फॉर्मूला यहां से क्या निकालेगा, फुल लेंथ में से, फुल लेंथ में से माइनस करेगा, स्पेस करके, स्पेस फाइंड करके वो माइनस कर देगा जहां जॉन सी डिजिट पे होगा। हाँ मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है जी, फुल डे आया ये, अब देख रहा हूँ सही आ रहा है। ये 2 डिजिट का हो गया सॉल्व, तो ये तो अगर 3 का होता है तो 3 पे सही आ जाता है मिडल नेम अपनी सही जगह पे, अगर 2 है तो ये लास्ट नेम अपनी सही जगह पे आ जाता है, क्योंकि पहले पहला वाला काम होगा एरर आते ही दूसरा फॉर्मूला काम करने लगा। अब इसको एक और केस में ले चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सिंगल ही नेम है जिसका लास्ट नेम ही नहीं है, तब भी एरर दे रहा है, पहला वाला एरर दे रहा है, बीच वाला तो सेटल हो गया। तो अब पहले वाले में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, एरर का लगा दिया कि अगर यहाँ पे एरर आए तो क्या करना है, तो मतलब इस वाली एरर पे यही होना है कि सिंगल ही नेम होगा, तो यही से नेम उठा के दिखा दिया, ठीक है, नेम उठा के दिखा दिया, ये सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ एरर दे रहा है तो इसमें मैं एक एरर सेट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे एरर आ जाए तो क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, फॉर्मूला कर दे।
अब लास्ट की एक प्रॉब्लम बची है बस, ये जहां कुछ भी नहीं है वहां जीरो दिखा रहा है। ठीक है, ये बहुत आसान सी एरर है, देखा इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला इस एरर वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर इस फॉर्मूले में कभी भी जीरो रिटर्न करे, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ये पूरा फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला मेरा हो गया। तो देख सकते हैं जब 3 डिजिट डाल रहे हैं तब भी सही है। और 2 डिजिट डाल रहे हैं तब भी सही आएगा। और सिंगल डाल रहे हैं तब भी सही आएगा, और कुछ नहीं डाल रहे हैं तो भी सही आएगा। 4 डिजिट 5 डिजिट के भी नेम होते हैं तो यही फॉर्मूला आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं इसमें फॉर्मूले देखे आगे, एक आध फॉर्मूला और थोड़े से देखते हैं और कोई बचा है इसमें। जैसे कुछ मेरे पास यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर नंबर फिर टेक्स्ट, तो नंबर नंबर टेक्स्ट अलग करना हो तो टी का फॉर्मूला होता है सिर्फ टी। ठीक है, ये तो जहाँ कुछ मिलेगा नंबर नहीं होगा, जहाँ नंबर होगा वहाँ ब्लैंक मिलेगा, जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ टेक्स्ट मिलेगा। इसी तरह टी के फॉर्मूले की तरह ही एन का फॉर्मूला है, जहां नंबर होगा वहां नंबर देगा, जहां टेक्स्ट होगा वहां जीरो दे देगा। आप ये इसी की तरह करना चाहते हैं कि जीरो ब्लैंक दिखा है तो वो इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर ये इक्वल टू जीरो है तो फिर क्या करें। एक होता है ट्रेन का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने पहले स्पेस दे दिया, नाम दे दिया, बाद में भी स्पेस आ गया, मतलब वैसे ही यार डाउनलोड करते हुए आ गया या वैसे ही आ गया। ठीक है, में क्या होता है वैल्यू कई बार गड़बड़ हो जाती है, लेंथ देख रहे हैं 8 डिजिट की है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिम का फॉर्मूला है कि आगे पीछे के वाइट स्पेसेस को डिलीट कर देते हैं। लेंथ देखेंगे कुछ ट्रिम का फॉर्मूला। ठीक है, ये वाइट स्पेसेस ऐसे नहीं होते जैसे मैंने सुनील कुमार दे दिए, स्पेस तो बीच के से उसे कोई मतलब नहीं है, बीच में आपका स्पेस हो सकता है। ठीक है जी, आगे और पीछे वाले स्पेस हो रहा है। इसकी तरह ही क्लीन का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया हम ऑल्ट एंटर यूज करते हैं करने के लिए। अब इसमें मान लीजिए रैप टेक्स्ट ऑन नहीं है तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट यही लेंथ का फॉर्मूला अगर लगा के देखें वो कैरेक्टर भी काउंट कर रहा होता है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स को क्लीन करते हैं क्लीन का फॉर्मूला। आप ईआरपी से डेटा निकालते हैं तो अदर सॉफ्टवेयर से टेक्स्ट को इम्पोर्ट कराते हैं, इस तरह के कैरेक्टर एंटर कर जाते हैं तो उनको क्लीन के फॉर्मूले से क्लीन किया जा सकता है। 12 लेंथ हो गई वो क्लीन हो गया। क्या है वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जो हम कई बार टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करके कई बार नंबर निकालते हैं। नंबर हाँ, तो वो कई बार कैलकुलेशन नहीं करते तो उनके लिए वैल्यू का फॉर्मूला होता है, जो किसी को जैसे इन्वर्टेड कॉमा में मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ तो टेक्स्ट को ये नंबर में कन्वर्ट कर ताकि इस पे कैलकुलेशन पॉसिबल हो सके। इसकी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। पर टेक्स्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, टेक्स्ट के फॉर्मूला के अंदर आप सारे कस्टम प्रोग्राम यूज करते हैं। मैंने डेट डाली और इसमें टेक्स्ट के फॉर्मूले से
अब कोई भी कस्टम फॉर्मेट लगा सकते हैं। कोई भी आप कस्टम फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या था कि हमने वहां कस्टम फॉर्मेट में क्या किया था, कई जगह इन्वर्टेड कॉमा यूज किए थे। फॉर्मूले के अंदर इन्वर्टेड कॉमा कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही जब जाना है। मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा वाला मुझे रुपए लगाने आ गए, आर एस लगाना है, तो अगर आर एस लगा के इसमें हैश जीरो कॉमा डॉट जीरो जीरो करके इस तरह से फॉर्मेट देने का कर दिखाएगा, क्योंकि रुपए जो था वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था। इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा उसके अंदर, से आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास खत्म होती है, बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी भेज दूंगा। ओके।